हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। फिर से आपके सामने एक वीडियो लेके आ चुका हूं। तो आज जो मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, गुड़गांव से शूट कर रहा हूं। और आज का जो दिन है आपका 18 मई है, वेनसडे का दिन है, इवनिंग का टाइम है, अप्रॉक्स 7:15 हो रखे हैं इवनिंग के टाइम में। और हम आज आपके सामने एक नया प्रोडक्ट लेके आए हैं जो कि मार्केट से मैंने लिया है। ऑनलाइन मैंने चेक किया था, उसका प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम ही था, थोड़ा ज़्यादा ही था, कम तो नहीं था। और बाकी की उसमें टाइम भी लगता आने में, तो मेरे को इंस्टेंट चाहिए था। तो मैं अभी मार्केट से लेके आया हूँ, तो आपको दिखाता हूँ क्या है और उसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन करके दिखाएंगे। पहले वो चीज़ लगी हुई थी, बट अब उसमें क्या था कि वो लीकेज हो रहा था, तो मैं नया लेके आया हूँ। वो आपको सारा इस वीडियो में दिखाएंगे, पूरा एक्सपीरियंस क्या था, पुराने में प्रॉब्लम क्या थी और नया मैं कैसा लेके आया हूँ, और फाइनल मतलब उसका आउटपुट कैसा रहता है, वर्क करता करेगा या नहीं करेगा, जो भी रहेगा सारा इस वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ में। इस तरीके की वीडियो हमारे चैनल पे आती रहेंगी। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट, आगे दिखाते हैं आपको जो भी रहे। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से ये प्रोडक्ट मैं लेके आया हूँ। तो इसको क्या है, पावर स्प्रे जेट बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अपना ये होने वाला है अपना पैकेट। तो मैं इसको खोल के दिखाता हूँ और इसको पूरा इंस्टॉल भी हम करके दिखाएंगे। तो ये मैं लोकल मार्केट से लेके आया हूँ, लोकल ही है, हेल्थ करके इस पर एक ब्रांडिंग लगी हुई है, बात कलेक्शन है, लोकल ही है, मतलब इसमें कोई ब्रांड नहीं है। ब्रांड वाले थे तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, तो मेरे को मतलब उनसे इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इससे ये भी काफ़ी टाइम चल जाते हैं, वो जैसा कि शॉप ने वाले ने मेरे को बताया था। बाकी की देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या अपने को मिलता है। तो मैंने वहाँ खोल के तो चेक कर लिया था, बट फाइनल आपको अभी दिखा देते हैं हम इसमें क्या क्या मिलता है। इधर से मैंने खोला था तो यहाँ पे अपना जो है, मैंने ऊपर की गन गन ही बोला था, बट इसमें क्या है कि दो चीज़ें आती हैं, एक तो ये अपना गन हो गई, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से कुछ नीचे का पाइप मेरा ठीक है, सिर्फ यही ख़राब हुआ है, तो ये मैं लेके आ गया हूँ। और इसमें एक चीज़ और अपने को मिलती है, अभी वो दिखा देते हैं, वो भी आपको हम जो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें फंसी हुई है वो, तो मैं अपना जो है निकाल के दिखा देता हूँ और क्या मिलता है इसमें। एक ये मिलता है जो कि इसे हैंग करने का है, तो ये अपना स्टील का नहीं है प्रॉपर, ये अपना वैसा स्टील है, नॉर्मल स्टील है, तो जिसमें हम इसको जो है हैंग कर सकते हैं। बट ऑलरेडी पुराना वाला लगा हुआ है, इसका कोई यूज नहीं होगा और अपना बॉक्स में कुछ भी नहीं है। प्राइजिंग की अगर बात करें तो प्राइजिंग इसका मैं बता देता हूँ, ये मेरे को जो दिया है 140 रुपीज़ का दिया है, 140 रुपये का लोकल मार्केट से। ऑनलाइन भी सेम ही था, बट उसमें क्या था 2 से 3 दिन लग रहे थे, तो मैंने किया, मैंने इसका मतलब नहीं है कोई भी, अगर इंस्टेंट लेके इतने में ही मिल जाता लगा लेंगे तो कोई अपना दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने अर्बन क्लैब से भी चेक किया था, तो वहाँ पे 388 रुपीज़ ले रहा था और उसमें इंस्टॉलेशन भी साथ में था, तो इंस्टॉलेशन का इसमें कुछ करना नहीं है, अपना इजीली फिट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पुराने वाले में क्या प्रॉब्लम है और फिर उसके बाद में मैं ये आपको इंस्टॉल करके दिखाऊँगा। तो पहले मैं आपको चल के वहाँ पर दिखा देता हूँ। तो अपना जो है इस तरीके से, अपना जो है इस बैक साइड में अपना जो है ये है वॉशरूम है। तो यहाँ पे अपना लाइट ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बच्चों की वो आ रही होगी, तो उसको थोड़ा इग्नोर करें क्योंकि मेरे रूम के पीछे जस्ट पार्क है, तो इसको मैं गिरा देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये ऑलरेडी लगी हुई है, तो अभी क्या करते हैं हम इसको ऑन करते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। मैंने यहाँ से बंद कर रखा है इसका स्विच और मैं देखो ऑन करूँगा अभी, तो कुछ इस तरीके से इसमें पानी लीकेज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, आप देख पा रहे होंगे। अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें अभी पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, अब स्टार्ट हो गया है और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पानी लीकेज होता रहता है। इससे क्या होता है कि सारा पानी पानी हो जाता है। अब आपको मैं प्रॉपर दिखा देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से अपनी यहाँ पर प्रॉब्लम है इसमें, तो आप ये देख ही सकते हैं। बाकी की अब मैं इसको हटा के नई वाली फ़िट करता हूँ और वो मैं एक बार हटा के फिर आपको दिखाता हूँ, इसमें कुछ है नहीं। फाइनली मैं आपको 2 मिनट में इसको लगा के दिखा दूंगा। फ्रेंड्स, अभी हम इसका जो वाटर बंद कर लेते हैं क्योंकि वाटर लीकेज होगा, तो पहले मैंने बंद कर लिया, आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, हम यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। कुछ इस तरीके से अपना ओपन हो जाता है और आप देख पा रहे होंगे ये भी इसी तरीके का है। अभी अगर मैं दोनों में फ़र्क दिखाऊँ तो कुछ भी नहीं है, बट क्वालिटी का थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है, ये ज़्यादा भारी सा था बट ये थोड़ा हल्का है, तो देखते हैं कौन सा अच्छा काम करेगा। और अगर वैसे बात करूँ तो हल्का सा ये अपना नया वाला भी
छोटा सा दिख रहा है मेरे को। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, क्योंकि ये स्टैंडर्ड साइज का आता है जैसा कि शॉप वाले ने मेरे को बताया था। और हम यहाँ से इसको इंस्टॉल कर देते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि पानी को यहाँ से खोल कर देखता हूँ। तो अभी मैंने ओपन कर दिया और अभी हम इसको यूज करके देखते हैं। यहाँ पे गिरा के मैं देखूँगा तो अपना काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ईजीली यूज हो रहा है और वाटर लीकेज का भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है, जो कि मतलब देखते हैं, क्योंकि वाटर लीकेज का जो प्रॉब्लम उधर था वो अपना इसमें है नहीं है, वो भी देख लेते हैं एक बार। हल्का सा आ तो रहा है बट इतना कोई खास अभी है नहीं, वो लग ही रहा है अपने को। अगर मैं यहाँ पे इसको हैंग कर दूंगा तो पानी की लीकेज नहीं रहेगी, बट अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ तो आ रहा है, बट ये कोई वो नहीं है। अपना पानी का भी फ्लो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, तो अपना कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये था बाकी कि मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर देता हूँ, इसको यहाँ से मैं अभी लूज करके और इसको एक बार, तो बाकी की अपनी कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग है। मैं एक बार और दिखा देता हूँ इसको टाइट करके आपको, जो है तो पानी का कोई लीकेज नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हल्का सा छोटा है उससे, बट अपना ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये था अपना, आप भी अगर अपने कोई आपके भी यहाँ पे वॉशरूम में इस तरीके का लगा हुआ है तो आप भी उसको चेंज अपने आप ही कर सकते हो, कोई मैकेनिक बुलाने की जरूरत नहीं है। अब मेरा 140 रुपीज़ में काम हो गया, अगर मैं मैकेनिक बुलाता तो मेरा कम से भी कम कुछ नहीं है तो 380 से 400 रुपीज़ मेरा ले जाता, और 2 मिनट का काम था, इसमें अपने आप ही मैंने इंस्टॉल कर लिया है। तो दोस्तों ये था सारा एक्सपीरियंस। बाकी की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस तरीके की वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों करते हैं इसी वीडियो को यहीं पे एंड। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।